मथुरा में सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद लगभग 1.5 घंटे का सफर तय करके मैं आ गया हूँ ताजमहल। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। यह एक विश्व धरोहर मकबरा है। यह विश्व के 8 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 20वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल को देखने के लिए 2 तरह की टिकट लगती है, एक 50 रुपये की, एक 250 रुपये की। 50 रुपये वाली टिकट से ताजमहल को बाहर से देख सकते हैं, लेकिन 250 रुपये वाली टिकट में आप ताजमहल के अंदर भी जाकर देख सकते हैं। हमने 250 रुपये की टिकट ले ली है और हम अंदर आ चुके हैं। ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 वर्षों का समय लगा। इसका निर्माण सन 1648 के लगभग पूरा हुआ था। हम आ गए हैं ताजमहल के एंट्री गेट पे। इसे लाल चूना पत्थर से बनाया गया है। ताजमहल के एंट्री गेट पर फारसी में कुछ लिखा हुआ है। मुझे फारसी आती है, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस पे लिखा है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास शांति के साथ रहे, ईश्वर के पास विश्राम कर और उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे ये सैकड़ों साल पुराना हो। इसके ऊपर राजस्थान के शिल्पकारों ने आकर्षक आकृतियां बनाई हुई हैं। ताजमहल बनाने से पहले ताजमहल का एक ईंटों का ढांचा तैयार किया गया था, जो कि महाराज शाहजहां को बहुत ही पसंद आया था और उन्होंने अपने कारीगरों से कहा कि इस ढांचे को संगमरमर के पत्थर का बनाओ। पर वो ईंटों का ढांचा इतना बड़ा था कि उसको हटाने में सालों लग जाते, तो राजा ने घोषणा कर दी कि कोई भी लोग कितनी भी ईंटें इसमें से अपने घर ले जा सकते हैं। तो लोगों ने उसको एक रात में ही साफ कर दिया। संगमरमर के बड़े बड़े पत्थरों को ताजमहल पे लगाने के लिए एक 15 किलोमीटर का ढाल बनाया गया, मिट्टी का ढाल, जिस पे बैलों द्वारा पत्थरों को खींचा जाता था और ताजमहल के ऊपर रखा जाता था। ताजमहल की नींव और मकबरे को बनने में 12 साल लगे थे और जो ताजमहल के दोनों तरफ जो मकबरे हैं उनको बनने में 10 साल लगे थे। माना जाता है कि ताजमहल को बनाने में 3 अरब 20 करोड़ रुपए लगे थे। आज के समय में ये खरबों डॉलर से भी अधिक हो सकता है। ताजमहल को बनाने के लिए पूरे भारत से और एशिया से सामान लाया गया था। संगमरमर पत्थर राजस्थान के मकराना गांव से लाया गया था। संगमरमर पत्थर को राजस्थान से आगरा लाने के लिए 1000 हाथियों का प्रयोग किया गया था। ताजमहल के अंदर एंट्री करने के लिए शूज़ कवर पहनने पड़ते हैं। ये शूज़ कवर यहाँ फ्री में मिलते हैं। जो लोग 250 की टिकट लेते हैं उनको ये फ्री मिलते हैं। यहाँ से शुरू होती है 250 रुपये की टिकट। 50 रुपये वाली टिकट वालों को वहीं पे रोक लिया जाता है। एक पुरानी कथा के अनुसार शाहजहां की इच्छा थी कि यमुना के उस पार भी ठीक ऐसा ही ताजमहल बने, काले रंग का, जिसमें वो अपनी कब्र बनाना चाहते थे। ताजमहल पर सबसे पहले आने वाले टूरिस्ट का नाम है जिन बेपर टैवर्नियर, जो कि सबसे पहला यूरोपियन टूरिस्ट था। उसने 1665 में आके ताजमहल देखा था। उसी टूरिस्ट ने शाहजहां की इस इच्छा के बारे में अपनी बुक में लिखा था। लेकिन इससे पहले कि शाहजहां काला ताजमहल बनवा पाते, उनके पुत्र औरंगजेब ने उनको आगरा के किले में बंद कर दिया। औरंगजेब ने शाहजहां को लगभग 8 साल कैद में रखा। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु जनवरी 1666 में हुई थी। काला ताजमहल बनाने में ताजमहल से भी ज्यादा लागत लगती, इसलिए उनके पुत्र औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया और राजपाट अपने हाथों में ले लिया। मुमताज महल शाहजहां की 13वीं पत्नी थी। वो 13 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। जब वो 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तो लेबर पेन की वजह से उसकी जान चली गई। मुमताज महल को 3 बार दफनाया गया और 3री बार उनको ताजमहल में दफनाया गया।
इसी तरह शाहजहां को भी 3 बार दफनाया गया है और 3री बार उनको मुमताज महल के साथ ताजमहल में दफनाया गया है। मैं ताजमहल के अंदर आ चुका हूँ। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं ये असल में कब्र है शाहजहां और मुमताज की। इसमें जो ये आपको लाल कलर के फूल दिख रहे हैं, रात को अंधेरे में ये बिल्कुल चमकते हैं, जैसे कोई जुगनू चमकता है ऐसे ही ये फूल भी चमकते हैं। यह है पवित्र यमुना नदी। ये बहुत ही लंबा सफर तय करके यहाँ आई है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, वहाँ ग्लेशियर पिघलते हैं और बहुत ही पतली सी धारा में यमुना नदी निकलती है। उसके बाद इसमें और भी धाराएं मिलके और इसका विशाल रूप बन जाता है। लेकिन दिल्ली में आके यह नदी बिल्कुल पोल्यूट हो जाती है। दिल्ली में इंडस्ट्री का वेस्ट इसके अंदर बहाया जाता है। इसकी हालत दिल्ली के बाद बहुत बुरी हो जाती है। इसमें इतने केमिकल्स मिल चुके हैं कि इसका पानी पीने लायक भी नहीं बचा है अभी यहाँ पे। ताजमहल को बनाने में जो पानी उपयोग हुआ वो यमुना नदी से लिया गया। यमुना नदी में रहट तरह की टेक्नोलॉजी यूज करी थी पानी को निकालने के लिए। रहट टेक्नोलॉजी में बैलों द्वारा एक शाफ्ट को घुमाया जाता है और वो शाफ्ट एक बेल्ट से बंधी होती है जिसपे बाल्टियां बंधी होती हैं। वो बाल्टियां यमुना नदी के अंदर जाती हैं और पानी लेके और ऊपर बने टैंक में जमा कर देती हैं। उस टैंक से नालियों के द्वारा वो पानी ताजमहल तक लाया गया था। एग्जिट के समय इन शूज़ कवर को उतार दिया जाता है और इन ट्रॉलियों में रख दिया जाता है। मैं भी शूज़ कवर उतार देता हूं और इन ट्रॉलियों में डाल देता हूं। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी सगी बेटी जहां आरा से शादी कर ली थी। मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां बिल्कुल पागल सा हो गया था। शाहजहां को जहां आरा बिल्कुल मुमताज की तरह लगती थी, इसलिए जब भी वह अपनी बेटी को देखता तो उसे अपनी पत्नी मुमताज की याद आती। यही वजह है कि उसने जहां आरा की शादी किसी और से नहीं होने दी। यहां तक वह अपनी बेटी को पर्दे में रखता था और उसने अपनी ही बेटी से शादी करी थी। मुझे ताजमहल बहुत ही अच्छा लगा। ये इतना विशाल है, इतना भव्य है। मैंने इसे पहले फोटोज और वीडियोस में ही देखा था, पर रियल लाइफ में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अंदर मैंने शाहजहां और मुमताज की भी कब्र देखी। उनको देखकर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में आखिर में कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ यहीं रह जाता है। इसीलिए अपनी लाइफ को खुल के जियो, जो करना चाहते हो करो, क्योंकि अंत में मौत तो सब छीन ही लेती है। ताजमहल के चारों तरफ जो 4 मीनारे हैं वो थोड़ी थोड़ी बाहर को झुकी हुई हैं, ताकि भूकंप आए तो वो बाहर की तरफ गिरें, ना कि मकबरे पे। इसीलिए उनको थोड़ा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह पे ताजमहल है आज के दिन, वहां पे कभी प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था, पर ऑफिशियली इसका कोई प्रमाण नहीं है। मुझे लगता है कि अब मुझे पी लेनी चाहिए अपनी विस्की नीट। चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में।
मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों, आई नीड योर सपोर्ट। मैं तो अपनी जिंदगी को खुल के जीता हूँ दोस्तों, मैं तो अपने मन का मौजी हूँ। मेरा नाम है मंकी डी लूफी।